हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, क्लास 11th एनसीईआरटी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो ये देखो, ये फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। और फंक्शन क्या होता है ये, और फंक्शन का डोमेन रेंज क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और देखो, फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें या कॉम्पिटिशन की। तो मैंने इंटरमीडिएट बोर्ड लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक फंक्शन को बहुत तरह से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, काफ़ी सिंपल लॉलीपॉप चैप्टर है, बिल्कुल बहुत ही जल्दी बन जाएगा आपसे। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बहुत ही ईजी है, लास्ट तक देखते जाओ। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ठीक है, जैसा हम आपको पहले भी बताया थे कि हम यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 3 में, वो आपको ऑर्डर पेयर का कलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर का कलेक्शन लेते हैं तो वो क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है। बट जो भी रिलेशन है वो फंक्शन होगा भी और नहीं भी होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, तो वो रिलेशन फंक्शन कब होता है, तो उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? ये शर्त है कि अगर आप दो सेट के बीच में बात कर रहे हैं, ए और बी के बीच में, तो ए का एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर हम पहले सेट की बात करें तो पहले सेट का हर एलिमेंट मैपिंग में टेक पार्ट करे, और उसका बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब एक से ज्यादा अगर इमेज हुआ एक ही एलिमेंट का बी में, तब वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे वही करेंगे। और फिर बोलता है कि इसका रीजन दीजिए, फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, फिर उसका डोमेन और रेंज बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑर्डर पेयर देखो ये दिया हुआ है, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 1 है। ठीक है, फिर क्या 2 का इमेज 1 के अलावा कुछ और है, तो आपको और कहीं 2 नजर आएगा नहीं पहले। ठीक है, फिर आपको हर जगह 5, 8, 11, 14, 17 इस तरह का नजर आ रहा है, 2 सिर्फ एक ही जगह नजर आ रहा है। तो सिर्फ एक जगह 2 है और सिर्फ इसका एक ही इमेज है 1। इसी तरीके से 5 भी सिर्फ एक जगह है, इसका इमेज एक ही है 1। 8 भी सिर्फ एक जगह है, तो कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आ रहा 2, 5, 8, 11, 14, 17 में से। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है। तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यस इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसका आपको रीजन पूछ रहा है, तो रीजन आप क्या दोगे, आप दोगे ठीक है बिकॉज एवरी एलिमेंट, ऐसे आप लिख देना। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, हाँ, कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट का क्या है, यूनिक इमेज है, इसलिए क्या है, ये फंक्शन है। अब आपको यहां पे लिखना होगा डोमेन, तो डोमेन क्या लिखिएगा। ठीक है, तो डोमेन आप लिखिएगा इस तरीके से, डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा यहां पे सिंपली क्या होता है, डोमेन होता है हमारा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ना, जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसका फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन निकाल लीजिए। तो आप देखो कौन कौन है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए मोहब्बत से 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, हमको डोमेन मिल गया। तो डोमेन निकालना काफी इजी है। इसी तरीके से अगर आप रेंज निकालना चाहते हो तो रेंज क्या होगा, तो रेंज होता है हम लोगों का सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसमें से आप सेकेंड एलिमेंट को निकालिए। तो आप देखोगे कि सेकेंड एलिमेंट क्या है, तो हर जगह देखिए 1 है, हर जगह 1। ठीक है, लेकिन हम 1 को 10 बार लिखेंगे नहीं, 1 को हम क्या करेंगे, चूंकि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, तो ये आपका सिर्फ ऐसे आएगा और ये आपका टोटली आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन होगा ना, तो उसका आपको बस डेफिनेशन लिख देना है कि हाँ भैया, इसके पहले सेट के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन है।
अब इसको बहुत डिटेल में समझना है तो आपको जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे सारी बातें की हैं, ठीक है। और आप इसको मैपिंग से भी देख सकते हैं, अगर मान लो कि जैसे आपको रीजन देना है तो आप रीजन देने के लिए आप यहाँ पे मैपिंग भी बना सकते हैं, बट ये आंसर सफिशियंट हो गया। अगर मैपिंग बनाएंगे देखो ऐसे बनाएंगे पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इधर आप ले लेंगे क्या, सेट ए ले लेंगे इधर, और इसी तरीके से इधर आप ले लो सेट बी, ठीक है, सेट बी। तो आप देखोगे कि इधर कौन कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी है उसको लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे टू है, ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है जैसे टू है, फिर आपका फाइव है, फिर आपका एट है, फिर आपका इलेवन है, फोर्टीन है, और आपका एक सेवनटीन है। इस तरीके से जितना भी एलिमेंट है, टू फाइव एट इलेवन फोर्टीन सेवनटीन, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। और इस थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे जो घेरा है थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, टू इलेवन हो गया तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो सारे एलिमेंट अट जाएंगे, इलेवन फोर्टीन और सेवनटीन, ठीक है जी ये। और इधर जो है आपको सिर्फ वन है, ठीक है, तो वन को ले लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि जो रिश्ता बना है वो कैसे बना है, तो टू का बना है वन से, टू का वन से बना है, ठीक है, फाइव का भी वन से बना है, फाइव का वन से बना है, एट का भी वन से बना है, एट का वन से बना है, इलेवन का भी वन से बना है, ठीक है। सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर पेयर वन से बना हुआ है, यानी सबका रिश्ता किससे है, एक से है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर एलिमेंट टेक पार्ट कर रहा है, एवरी एलिमेंट क्या है, फर्स्ट सेट का टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है, सबका मैपिंग में हिस्सा लिया हुआ है, और दूसरी तरफ सबका एक ही इमेज है, मतलब दो इमेज किसी का नहीं है, ऐसा नहीं कि दो का टू का इमेज वन भी है, टू का इमेज कोई थ्री भी है, ऐसा कुछ नहीं है, टू का बस एक ही इमेज है, फाइव का भी एक ही इमेज है, ठीक है। तो इस ऐसे हमको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो आप चाहे तो बगल में मैपिंग भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वरना दिखाने का यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, फिर क्वेश्चन नंबर टू इसी तरीके से बनाने वाले हम लोग। टू नंबर क्या है, तो टू नंबर को देखिए इसी तरीके से, देखिए टू को आप देखिएगा, तो टू में देखो इस टू का इमेज वन है, फोर का इमेज टू, सिक्स का इमेज थ्री, एट का फोर, टेन का फाइव, ट्वेल्व का सिक्स, फोर्टीन का सेवन। तो कोई भी एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है वो दो बार नहीं आ रहा, सब एक ही बार आया है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये भी आपका फंक्शन है, आपको डायरेक्टली ऐसे लिख देना है, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। ये क्या है, ये फंक्शन है, कारण दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज, वही कारण देंगे ऊपर वाला, बिकॉज एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट सेट हैज यूनिक इमेज, उसका क्या है, उसका यूनिक इमेज है, हैज यूनिक इमेज, ठीक है। तो इसलिए आपका ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे आपको डोमेन लिखना है, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो डोमेन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स, इन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है देख लो, जैसे अभी हम मैंने आपको बताया कि दो दिख रहा है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है, ट्वेल्व है और फोर्टीन है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके डोमेन हो गए, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा हम लोगों का, रेंज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स, इन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो ये आपका कौन कौन है, तो आप देख सकते हो कि वन है, टू है, थ्री है और फोर है, फाइव सिक्स सेवन है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर मोहब्बत से, ठीक है। तो काफी सिंपल बन रहा है आपका, एकदम आराम से इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर हम लोग देखें ना अगर, तो आपको दिखेगा कि वन और वन दो जगह आ रहा है। यही मैं कह रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट हो गया यानी वन का इमेज थ्री भी है और वन का इमेज फाइव भी है। तो एक ही एलिमेंट का दो इमेज है यानी यूनिक इमेज नहीं है, तो बात खलास हो गई। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज, ठीक है, नो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन क्यों फंक्शन नहीं है, तो हम लोग बहुत अच्छे से कारण देंगे, बिकॉज, बिकॉज वन जो एलिमेंट वन है वो क्या है, उसके पास में दो एलिमेंट है, हैज, उसके पास में दो इमेज है, हैज टू इमेजेस,
हैज टू इमेजेस, थ्री एंड फाइव। ठीक है, एक का दो इमेज है, एक थ्री भी है और एक फाइव भी है। ठीक है, जबकि ये क्या होना चाहिए, ये आपका यूनिक होना चाहिए। जैसे मैंने बताइए क्या होना चाहिए, यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए, कोई भी एक होता तो चलता, लेकिन दो इमेज है इसलिए क्या आपका फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन नहीं है तो फिर डोमेन और रेंज लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब डोमेन रेंज की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, तो बहुत अच्छा। इसको अगर आप मैपिंग से भी देखोगे ना, तो मैपिंग देखो ऐसे दिखेगा, इधर आपका मैपिंग ऐसे बनेगा और इधर आपका बनेगा ये। ठीक है, तो आप देखोगे इधर कितना एलिमेंट है, इधर आपका एलिमेंट है वन और टू, वन है या तो टू है। ठीक है, तो वन टू है, और इधर क्या है, इधर है आपका थ्री और फाइव, थ्री और फाइव। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वन थ्री को भी मैप कर रहा है और वन फाइव को भी मैप कर रहा है। ठीक है, फिर आपका टू जो है वो फाइव को मैप कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वन का दो इमेज है, वन थ्री भी बना रहा है फाइव भी बना रहा है। तो आप मैपिंग करके भी दिखा सकते हो कि क्लियरली फ्रॉम मैपिंग इट इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि एक एलिमेंट का एक ही के साथ में रिश्ता हो, दो के साथ में रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। तो ये फंक्शन है और फंक्शन काफी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए अब। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, उसमें उतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखो फिर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बोलता है कि फाइंड डोमेन, आप डोमेन बताइए और रेंज बताइए ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडुलस एक्स का, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, और ये है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन, तो ये भी हम लोग आपको बता चुके हैं। ठीक है, बट चलिए कोई इसी नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि मॉडुलस एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल होता है, मतलब हम एक्स में कुछ भी वैल्यू रखें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, ऑल रियल एक्स, एक एफ एक्स क्या है, ऑल रियल एक्स के लिए डिफाइन है, ऐसा आपको लिखना है। मतलब क्या, मतलब हम एक्स को कुछ भी रख सकते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हम आपको समझाए थे कि कुछ फंक्शन है जिसमें आप एक्स को हर जगह कुछ हर जगह एक्स को आंख बंद करके नहीं रख सकते, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन। हम आपको बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन में हम अंदर में माइनस टू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि माइनस टू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा हम क्या रखेंगे, या तो हम जीरो रखेंगे या तो हम कोई भी इसमें पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे। ठीक है ना, ये हम आपको बताए थे। मतलब हम ये कब डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो जैसे ये स्क्वायर रूट फंक्शन है जो कि इसके लिए डिफाइन होता है, मतलब सिर्फ आप जीरो रखो या उससे बड़ा वैल्यू रखो, निगेटिव नहीं रख सकते। ठीक है, तो कुछ फंक्शन है जिसमें कि बाउंड्री रहता है कि आप कुछ भी नहीं डाल सकते एक्स पे। हाँ, लेकिन ये सब जो फंक्शन है मॉडुलस एक्स, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, मॉडुलस एक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तो जीरो भी रख सकते हैं, वन भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी। ठीक है, सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, देयरफॉर जो डोमेन है, डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर, ऑल रियल नंबर क्या हो गया जी, डोमेन हो गया। ऐसे लिखिए, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये हम लोगों का हो गया डोमेन। अब देखो रेंज, तो याद रखिएगा डोमेन जो होता है ना, डोमेन होता है इनपुट वैल्यू। क्या होता है डोमेन, इनपुट, कि हम क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है आउटपुट वैल्यू, कि आपको वैल्यू क्या क्या मिल रहा है। ठीक है जी, अब देखो रखने के हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उनको वैल्यू क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं क्या कि एफ एक्स इक्वल टू जो माइनस मॉड एक्स है ना, ये क्या है, ये हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से छोटा वैल्यू होगा। क्या होगा ये, या तो जीरो होगा या तो जीरो से छोटा वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताया था कि मॉड एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मॉड एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है। अब आगे लगा हुआ है माइनस, ठीक, आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक निगेटिव वैल्यू है, या तो जीरो है, जीरो पे जीरो भी मिलेगा। सो एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी आप रियल नंबर ले लो, उस रियल नंबर पे आपको इसका जो वैल्यू है वो या तो जीरो होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो आउटपुट वैल्यू मिलने वाला है रेंज, वो क्या होगा जी, तो वो या तो जीरो होगा या तो जीरो से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आप देखोगे इसको नंबर लाइन पे, तो इसका मतलब ये होगा कि
यहाँ पे हो गया मान लो जीरो, तो वैल्यू जो है या तो जीरो होगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, या तो जीरो से छोटा होगा सारा निगेटिव वाला पार्ट, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू देखो, टू में क्या बोलता है, टू में बोलता है हमको इसका निकालिए डोमेन और रेंज। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे कि रूट एक्स के अंदर हम कुछ भी अपने मन से नहीं रख सकते, हम जब भी रखेंगे जीरो रखेंगे या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो उसी तरीके से ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो यहाँ पे हम जब भी रखेंगे तो ये हम ध्यान देंगे कि जो अंदर का पूरा वैल्यू है ना, ये या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एफ एक्स इज डिफाइन, एफ एक्स इज डिफाइन, एफ एक्स डिफाइन होगा, ठीक है, कब, जब अंदर का जो वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैं एक बात लिख सकता हूं, क्या, सिंस रूट एक्स इज डिफाइन ओनली वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे ये होता है ना, तो यहां पे सिर्फ रूट एक्स है, तो x के जगह पे जितना भी वैल्यू है सबको उठा के आपको यही कंडीशन पे डालना पड़ेगा कि ये तभी डिफाइन होगा जब क्या होगा, जब अंदर का पूरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मोहब्बत से कैसे कर सकते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, तो बात वही है, ठीक है, जस्ट मैंने घुमा करके लिखा है, आपको दिख रहा होगा, ओके। अच्छा, अब यहां से क्या होता है, यहां से ये होता है कि यहां से आ जाएगा कि मॉड एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 से 3 के बीच में लाई करेगा, 3 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है जी। तो यहां पे जो डोमेन हम लोग का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो डोमेन मेरा आ जाएगा, डोमेन ध्यान दीजिए, डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ जा रहा है माइनस 3 से 3, दोनों पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो क्लोज्ड इंटरवल माइनस 3 से 3, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको निकालने का देखो बहुत सा तरीका है, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, या मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे कर रहे हैं देखो, उसके लिए ये तरीका होगा कि ये जो आया था ना आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से आप x का वैल्यू देखिए क्या आएगा, x का वैल्यू यहां से 3 आएगा, और यहां से क्या आएगा, यहां से माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिए साइन, एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं। पहले रखिए छोटा वाला वैल्यू, छोटा कौन है, माइनस 3 है, ठीक है, फिर रखिए बड़ा वैल्यू, बड़ा वैल्यू कौन है, 3 है। अब आपको यहां पे तीन तरह का इंटरवल मिल रहा है, ठीक है, एक इंटरवल, ये दो इंटरवल, और ये आपको तीन इंटरवल, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई करता है। तरीका ये होता है कि आप जीरो रख करके देख लो, तो जीरो किसके बीच में आएगा, तो जीरो आएगा माइनस 3 से 3 के बीच में, यानी इस इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं जीरो रखता हूँ, पुट जीरो किस में करना है, इन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो मेन क्वेश्चन था इसमें, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 0, यानी 0 ही 9 आएगा, और 9 क्या है, पॉजिटिव है, यानी आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये साइन कन्वेंशन का प्रॉपर्टी है कि ये अल्टरनेट होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है हमको यहाँ पे जो लेना था वो क्या लेना था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा इंटरवल मिल रहा है, तो माइनस 3 से 3 मिल रहा है, तो यहां से हम यहां तक ले लेंगे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये भी तरीका याद रखो कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है, तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड लगेगा, और मॉड का वैल्यू क्या होता है, माइनस से प्लस के बीच जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो कोई भी एक तरीका, लेकिन आपको ये सब सीखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा फैमिलियर होना चाहते हो डोमेन रेंज से, क्योंकि एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जेई एडवांस वगैरह में, और आगे भी आपको यूज़ होगा। तो आप मेरे जो है एडवांस लेक्चर को भी देख सकते हो, जिसमें मैंने डोमेन और रेंज का डिस्कशन किया है। बट इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है, और उस पर फिर प्रैक्टिस करना है, फिर आप उसमें माहिर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन। अब देखो रेंज, रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ वो क्या होगा, तो ये होगा आउटपुट वैल्यू, क्या होगा ये, आउटपुट वैल्यू ऑफ
रूट अंडर 9 - x², मतलब जो भी फंक्शन है उसका आउटपुट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट वैल्यू का हम बात करें तो आउटपुट वैल्यू क्या होता है, एक होता है आपका पहले आप लिखोगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, आउटपुट वैल्यू का बात करें हम, याद रखिए आपको मैंने बताया है कि कभी भी स्क्वायर रूट क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये जीरो। ठीक है, क्योंकि आप एक्स का वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 जीरो हो जाएगा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे, तो इसलिए कि जब आप x को रखोगे 0 तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 9 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, है ना, स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू क्या होगा, 3। इससे बड़ा कोई वैल्यू हो सकता है इसका, नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर आप कुछ भी रखेंगे तो 9 में माइनस होगा, 9 में माइनस होगा यानी स्क्वायर रूट 9 से छोटा वैल्यू मिलेगा जो कि 3 से छोटा होगा। तो जब भी आपको आउटपुट निकालना हो, रेंज निकालना हो, तो आपको बस मिनिमम देखना पड़ता है और मैक्सिमम, और उसके बीच का सारा वैल्यू मिलेगा। ये कभी निगेटिव होता नहीं है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू जीरो हो गया और बड़ा से बड़ा 3 होगा। तो ये बहुत ही आसानी से के साथ में आप ऐसे कर लोगे, ये सबसे सूटेबल तरीका है और इजी तरीका है। ठीक है, दूसरे भी तरीके हैं बट वो लेंदी हैं, इससे आप करेंगे बिंदास रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब इसी को देखो, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 से, ऐसे आंसर ऐसे भी दे सकता है आपको। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तो सेट में देगा। ठीक है, ऐसे सेट बना के लिख सकते हैं इस तरह से, ये सब तरीका जानना है। जैसे ये तो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, अगर सेट बिल्डर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये कि एक्स जो है 3 से 3 तक है, या अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 3 तक, एक्स 0 से 3 तक। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, बुक में अलग अलग तरीके से आंसर दिया रहता है, और ये ज़्यादा सुटेबल है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिख के दिखा दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़िए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन में देखो 3 आ रहा है, तो 3 तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और लॉलीपॉप क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, जैसे f(x = 2x - 5) दिया हुआ है आपको, और आपको बोलता है कि आप वैल्यू निकालिए f0 का, f7 का और f-3 का, तो काफ़ी आसान, बिल्कुल लॉलीपॉप है। कैसे, देखिए आपको क्या गिवेन है, आपको गिवेन दिया हुआ है f(x = 2x - 5), ये गिवेन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का बात कीजिए, f0 निकालिए। ठीक है, f0 का मतलब क्या है कि हमको x के जगह पे 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 5, यानी क्या, यानी 0 - 5 सिंपली क्या, -5। अब इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन तो नहीं होगा ना, नंबर 2। फिर बोलता है f7 निकालिए, इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे 7 रखिए, तो 2 × 7 - 5। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है x के जगह x को हटाना है, और जो आपको बोल रहा है 7 रखने के लिए, तो 7 रख दो वहां पे, जहां जहां x होगा वहां वहां पे। ठीक है, ये यहाँ पे काफी सिंपल फंक्शन दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x है वहां पे हटा रहे हैं और 7 डाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 × 14 - 5 यानी 9 आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, f-3, तो f-3 को क्या करेंगे, 2 × यहाँ पे -3 डाल देंगे। ठीक है, -5, ये हो गया -6 - 5 यानी -11। देखिए कितना लॉलीपॉप है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो भाई हमें एकदम चुटकियों में बना देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है। 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है आपको द फंक्शन टी, ठीक है, फंक्शन टी है विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इंटू डिग्री फारेनहाइट। तो बोलता है कि एक मैपिंग है, ठीक है, टी जो कि सेल्सियस से फारेनहाइट में जा रहा है, और डिफाइन किया गया है ऐसे, TC = 9C/5+32। ठीक है, ऐसे पूरा बोलता है फाइंड T0। ये भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या है भाई, कुछ करना नहीं है, गिवेन लिखो। क्या गिवेन है, गिवेन है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड दिया हुआ है 9C/5+32। ठीक है, अब आपको बोलता है T0 निकालिए, पहला क्वेश्चन T0 यानी क्या है, C की जगह पर 0 डाल दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 डालने से 0+32 क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, नंबर 2 बनाइए,
T20th। अब आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को और खुद से मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लीजिए क्या आंसर आता है। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 28/5+32। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जहाँ पे सी है वहाँ पे वैल्यू डाल देना है। तो 28 को सी के प्लस पे डाल दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 9 × 8 = 72, ठीक है, 9 × 2 = 18, 252 आ गया। 5 को क्रॉस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 1 16/5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 21412, ठीक है जी, 412/5 आ जाएगा। क्लियर है, नंबर थ्री निकालो। नंबर थ्री क्या है, टी का वैल्यू निकालना है -10 पे। -10 पे कैसे निकालेंगे बताइए, तो सी के जहाँ पे -10 डाल दो तो क्या हो जाएगा, 9 × -10/5+32, ठीक है, क्या आ जाएगा, -90+ यहाँ पे एलसीएम 160/5, तो 160 - 90 क्या हो जाएगा जी, 70/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम लोग कट कर सकते हैं, तो 14/5 जा होता है तो 14 × 5 = 70, 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लॉलीपॉप रहता है। फिर बोलता है कि सी का वैल्यू निकालिए अगर टी सी क्या हो, 212 हो, ठीक है। क्या बोलता है फॉर में, फॉर में ये आपको गिवेन दे दिया है कि टी सी कितना है, टी सी 212 है, तो सी का वैल्यू निकालना है। अब देखो टी सी क्या है, टी सी है मेरा 9c/5+32, ठीक है, इधर हो गया आपका 212। अब सोल्व कीजिए तो 9c/5 क्या बचेगा, 9c/5 बचेगा 212 - 32, ठीक है, यानी 180 आ जाएगा, राइट। अब 180 आ गया तो आपको C का वैल्यू निकालना काफ़ी सिंपल। यहाँ से क्या करेंगे जी, यहाँ पे सिंपल ये इस तरह का हो जाएगा, 9c = हो जाएगा 180 × 5, क्रॉस कर दिए तो C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा 180 × 5/9, 9 से कट कर दीजिए 20 से तो 2500। तो सी का वैल्यू क्या आ गया आपका, 100 आ गया, ठीक है। काफ़ी आसान इस तरह का क्वेश्चन, एकदम आसानी के साथ में बनेगा, लॉलीपॉप है, ठीक है। चलो अब देखते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइव बार बोलता है आपको कि आप रेंज निकालिए इन ईच केस, ठीक है, मतलब आपको फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन का डोमेन लिख दिया है। जैसे यहाँ पे ये एक फंक्शन है तो लिख दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल है, यानी इसका डोमेन रियल है, इसका भी डोमेन रियल है, इसका भी डोमेन रियल है, तो आपको सिर्फ रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, आउटपुट वैल्यू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवेन है, क्या है, fx = 2 - 3x, ठीक है, ओके अच्छा, तो इसका जो रेंज होगा आउटपुट वैल्यू वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखो रेंज निकालने का एक तरीका होता है, चाहे तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं रेंज को, जैसे आप इसको y लेंगे तो आपको आप निकालना पड़ेगा x एज ए फंक्शन ऑफ y, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इंप्लाइज आप इसको y ले लो तो y = क्या हो जाएगा, 2 - 3x। अब यहाँ से आप x निकालने की कोशिश कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3x = 2 - y, ठीक है। यहाँ से x क्या आ जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 2 - y/3, ये आ गया। तो आप जैसे ही x को एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लेंगे ना, ठीक है, तो आप स्टेप याद रखिएगा तरीके से काम करने का, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मान लो ये कोई स्पेशल जो है फंक्शन नहीं है, जैसे ऊपर में स्क्वायर रूट फंक्शन होता या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता, तो तरीका अलग होता है, डायरेक्ट भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का आपको कोई दिया हुआ है तो आप पहले इसको वाई ले लीजिए, वाई लेकर के फिर यहां से आप एक्स निकालने की कोशिश कीजिए, एक्स निकाल लीजिएगा। अब देखिए, अब एक्स के बारे में जो दिया हुआ है उसका यूज कीजिए, क्या है आपको बोलता है कि एक्स क्या है, एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है, और क्या बोलता है, और बोलता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, ध्यान दीजिएगा ना, जितनी बातें सब पे ध्यान दीजिए, एक्स रियल नंबर है और एक्स क्या है, एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो पहले तो रियल नंबर था, अब ग्रेटर देन जीरो यानी कि सिर्फ जीरो से बड़ा ही वैल्यू है एक्स का, तो अगर एक्स का जीरो से बड़ा वैल्यू है तो एक्स मेरा क्या है, ये पूरा है 2 - y/3, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि जो 2 - y/3 है ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। यहां से आप निकालिए वाई का वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा 2 - y > 0, 3 को क्रॉस कर दिए तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 2 < y, ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, सॉरी 2 > y, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया y < 2, ठीक है, तो y < 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा आउटपुट वैल्यू है y, जो मेरा आउटपुट वैल्यू है वो क्या होगा, वो मेरा 2 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे वैल्यू 2 है तो 2 से छोटा होगा, यानी जो भी वैल्यूज मिलेंगे वो सारे क्या मिलेंगे, वो आपको इधर के वैल्यू मिलेंगे, ठीक है, इधर के,
दो से छोटा, और चूंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, दो भी नहीं होगा, जस्ट दो से छोटा होगा, तो यानी जो हमारा जो रेंज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो मेरा रेंज आ जाएगा, रेंज क्या होता है, रेंज होता है आउटपुट वैल्यू यानी वाई का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वाई का जो वैल्यू है वही आपका रेंज है, ठीक है। तो रेंज क्या आ जा रहा है, तो रेंज मेरा आ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से टू, ओपन इंटरवल, ध्यान दीजिएगा इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी से टू, पर टू नहीं लेना है इसलिए टू पे क्या करेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल करेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रेंज, और डोमेन तो आपको दिया हुआ है ही था, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू बनाइएगा, तो टू में क्या है, टू में आप देखिए, टू में आपको गिवेन दिया हुआ है, गिवेन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, ये इसको हम वाई लेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, ठीक है, और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट वाई माइनस टू आ जाएगा। अब x का जो वैल्यू आया है वो स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया है, ठीक है, और आपको x दिया हुआ है क्या, x एक रियल नंबर है, ठीक है जी, x हमारा क्या है, एक रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा ना, x तो रियल नंबर है, लेकिन अगर x मेरा रियल है तो क्या y भी मेरा कोई भी रियल हो सकता है, तो y मेरा कोई रियल नहीं, ये पूरा कोई रियल होगा ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होगा, जो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, यानी जीरो होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर के लिए यहाँ पे जो वाई माइनस टू का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है जी, वाई माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होगा ना, और तभी हम x को रियल कह पाएंगे। तो x बोल रहा है कि रियल है, तो x तभी आपको एक रियल मिलेगा जब अंदर वाला डिफाइन हो, और ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये कब डिफाइन होता है, जब अंदर वाला पॉजिटिव होता है यानी जीरो या उससे बड़ा, तो y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी y क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, और y क्या है, y मेरा आउटपुट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज यानी कि y का आउटपुट वैल्यू, ठीक है, वो क्या, वो आपका हो जाएगा दो या दो से बड़ा, यानी दो होगा या तो आपका इन्फिनिटी तक होगा, दो से इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि आप देखोगे तो मान लो यहाँ पे मैं टू लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको या तो टू लेना है, या तो टू लेना है, चूंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो या तो टू लेना है या दो से बड़ा लेना है, ठीक है, दो से बड़ा, तो इधर इन्फिनिटी होता है, तो दो से इन्फिनिटी इस तरीके से लिखेंगे। तो कौन सा इंटरवल लगाना है, क्लोज्ड ओपन, इस पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो ओपन लिए थे दो पे, यहाँ पे इक्वल टू भी साथ में है तो क्लोज लिए, इस तरह का जो इंटरवल्स वगैरह आप चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका भी यूज करना है, ठीक है। चलिए फिर तो थ्री नंबर क्या है, थ्री को यहीं पे कर लेते हैं, थ्री तो काफी सिंपल है ना, थ्री में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, थ्री में क्या है आपको गिवेन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर हम इसको वाई में लिखे तो क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी सिंपली क्या, सिंपली अगर आप बोलोगे तो एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो, अब एक्स क्या है, एक्स आपका रियल है, एक्स आपका रियल है, और एक्स इक्वल टू सिंपली वाई है, तो वाई भी क्या होगा, वाई भी रियल होगा, ठीक है, यानी जो आउटपुट वैल्यू है वो भी मेरा रियल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज होगा वो भी क्या होगा जी, वो भी रियल होगा, ये तो काफी आसान है, ठीक है। ऐसे भी देखो, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और आपको हम पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो कुछ बातें आपको याद भी रखनी है, प्रैक्टिस जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे करना है, और रिवीजन करते रहना है, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको फंक्शंस में तो बहुत कुछ सीखना है, फंक्शन जितना सीखोगे उतना कम है, तो फंक्शंस का लेक्चर जितना देख पाएंगे उतना अच्छा है, बट अगर आपके लिए मैथ थोड़ा मुश्किल लगता है तो कम से कम आप इसी चैप्टर को अच्छे से करके रखिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, और कोई भी लेक्चर स्किप मत करना है आपको, सबको देखना है। एनसीईआरटी आपका अगर मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपके लिए आगे के मैथ्स के रास्ते आसान हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।